ओके सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यू गेम प्ले वीडियो के अंदर। और आज हम सभी लोग शुरू करने जा रहे हैं एकदम न्यू सीरीज। तो गाइस यार, इस सीरीज के अंदर खेलने वाले हैं GTA Vice City। तो गाइस यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं यार, इस GTA Vice City को डाउन करने में मेरा गया भाई 1.4 GB का नेट। तो चलो यार, चलते हैं गेम के अंदर, देखते हैं भाई हम लोग क्या तबाही मचाते हैं। लेट्स गो। ओके तो फिलहाल अभी हम लोग इस कार से आए हैं और ये रहा लॉयर जो कि मेरे ख्याल से जा रहा है इस वाले होटल के अंदर, और ये रहा अपना टॉमी। तो फिलहाल अभी इस गाड़ी को उठाते हैं और चलते हैं सीधा। तो फिलहाल अभी मेरी कॉलोनील से बात हो चुकी है और अभी उसने कहा है कि भाई तुम सीधा जाओ अपने ओशियन व्यू होटल, जो कि यार हम लोग का एक तरीके का हम लोग जहाँ पर रहेंगे वही होटल होने वाला भाई। तो चलते हैं सीधा अपने होटल की तरफ को और देखते हैं भाई कैसा होटल मिला हमको। तो फिलहाल अभी तुम्हारा मैं पहुंच चुका है ओशियन व्यू होटल। फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग पे लगाते हैं और चलते हैं सीधा अपने होटल के अंदर। तो गाइस यार, होटल तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, बाहर से व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो सीधा चलते हैं अपने होटल के अंदर और देखते हैं भाई अपना रूम नंबर कौन सा है। तो फिलहाल का सीन यार ये है कि अभी हम लोग जाने वाले हैं सीधा अपने होटल के अंदर और आ चुके हैं फिलहाल। और बाहर से हम लोग को कुछ सिनेमैटिक व्यूज़ मिल रहे हैं अपने होटल के, जो कि यार काफ़ी यार मस्त लग रहा है। नीचे से थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप का। ओके ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे अपना गेम को सेव कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। तो फिलहाल अभी यार अपना गेम जो है वो सेव हो चुका है। अब चलते हैं सीधा ऊपर वाले फ्लोर के अंदर, और क्योंकि यार ऊपर ही हम लोग का रूम होगा, नीचे तो यार रेस्टोरेंट टाइप का कुछ है, तो ऊपर का थोड़ा हम लोग डैश भी दिखाई दे रहा है। चलते सीधा ऊपर, और फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं अपने कमरे के अंदर। और फिलहाल मेरे ख्याल से किसी की कॉल आ रही है समय, तो फिलहाल अभी उससे बात कर लेते हैं हम लोग और फिर देखते हैं यार आगे का सीन क्या है। तो अभी फिलहाल हमारी उससे बात हो चुकी है और अभी हम लोग को जाना है सीधा लॉयर के पास। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से होटल से बाहर निकलते हैं, लेकिन उससे पहले यार मेरे को एक बार अपने कमरा देखना है यार भाई। उस समय हम लोग यार अपना रूम नंबर देख नहीं पाए थे, तो फिलहाल एक बार चल के देख लेते हैं फटाफट से, फिर चलेंगे सीधा लॉयर के पास और फिर देखते हैं यार आगे का सीन क्या होता है अपना। तो यार यही अपना पूरा होटल जिसमें भाई अलग अलग रूम्स बने हुए हैं। तो फिलहाल अपना रूम कौन सा है यार, मेरे ख्याल से आगे वाली साइड पर होगा। तो इधर वाला गेट जो ओपन है तो शायद से यही है अपना वाला रूम, जो कि यार देखने से यार काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा है। तो ठीक है यार गाइस, अपना जो रूम है हम लोगों ने देख लिया है, पंखा भी ऊपर आराम से चलने पड़ा है। तो ठीक है, अब चलते हैं सीधे हम लोग अपने लॉयर के पास। तो फिलहाल फटाफट से अपने हम लोग होटल से बाहर के लिए निकल पड़े हैं और फिर सीधे चलेंगे लॉयर के पास, क्योंकि यार लॉयर ने हम लोग को फ़ोन करके बुला ही लिया है। तो फिलहाल जान के देखते हैं भाई उसको क्या बात करनी आखिर। तो फिलहाल अभी अपने होटल के बाहर एक इनकी होटल वालों की गाड़ी खड़ी हुई है, तो फिलहाल इसी से काम चलाते हैं हम लोग, क्योंकि यार पता नहीं मैं अपनी जो गाड़ी लेके आया था भाई, पता नहीं मैंने कहाँ खड़ी कर दी। तो फिलहाल हम लोग गूगल मैप पर अपनी लोकेशन को फिट कर लेते हैं और चलते हैं लॉयर के पास। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 1 किलोमीटर तो दूर हो गई। तो फटाफट चलते हैं गाड़ी भगाते हुए लॉयर के पास। तो फिलहाल गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल गियर में भगा दिया है और ज़्यादा देर नहीं लगेगी यार लॉयर के पास पहुंचने में, क्योंकि यार अपनी गाड़ी की स्पीड जो काफ़ी ज़्यादा, और भाई गाड़ी यार भले देखने में थोड़ी सी ओल्ड मॉडल लग रही है, लेकिन यार भाई इसकी ड्रिफ्ट जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। तो फिलहाल अभी हम लोग का सीन ये है गाइस कि अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लॉयर के पास, बस यहाँ से एक टर्न और लेना है फिर हम लोग पहुँच जाएंगे सीधा लॉयर के पास। तो गाइस यार लॉयर के पास जाने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी अपनी गन वन इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि यार मेरे को पता था यार पहले से कि यहाँ पे गन मिलने वाली है। तो फिलहाल यार गैंगस्टर बनना है तो यार हम लोग के पास एक तगड़ी सी गन होनी चाहिए, क्योंकि यार कहीं भी अगर फसाड़ हो जाती है तो यार फटाफट से हम लोग यहाँ पे गन दिखा के अपनी चौड़स में निकल तो सकते हैं कम से कम। तो फिलहाल आगे की तरफ आर्मर मिल गया हम लोग यहाँ पे, फटाफट से इसको कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे कोई एक ग्रेनेड टाइप का कुछ मिला है जो कि हम लोग को 100 कलेक्ट करने हैं। ओके ठीक है, तो यार इसे हम लोग आराम से कलेक्ट कर लेंगे आगे चल के। तो फिलहाल अभी फटाफट चलते हैं हम लोग लॉयर के पास सीधा, क्योंकि यार भाई उसने फोन करके बुलाया तो यार मैं अपना गन वन इकट्ठा कर रहा हूँ। तो फिलहाल भाग भाग के चलते हैं सीधा लॉयर के पास, वो अपनी गाड़ी पे बैठते हैं सीधा। फिलहाल गाइस यार अभी सामने हम लोग आ चुके हैं लॉयर के घर पे और सीधा चल के देखते हैं भाई इसको क्या बात करनी थी आखिरकार। तो फिलहाल अभी हम लोग जाने वाले लॉयर के घर के अंदर और अभी लॉयर हम लोग के सामने आ चुका है और भाई यार ये अलग ही चिल्लाया जा रहा है। ओके तो ठीक है यार, ये भाई हम लोग को कुछ कपड़े वपड़े खरीदने की बात कर रहा है, तो ठीक है फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं सीधा नए कपड़े खरीदने। और भाई यार फालतू की तेरा टेंशन ले रहा है यार, भाई बैठ गया यार तू आराम से। अभी फिलहाल हम जाते हैं कपड़े खरीदने और फिर कॉलोनील के पास जाते हैं यार, उसने हम लोग को बोर्ड के पास बुलाया है, फिर देखते हैं भाई क्या ही सीन चल रहा है अपना। तो गाइस यार फिलहाल अभी हम लोग जाने वाले सीधा अपने कपड़े को खरीदने के लिए। तो फिलहाल लॉयर ने कहा कि भाई तुम्हें थार ले जा, तो भाई इसकी थार उठाते हैं फटाफट से और चलते हैं सीधा राफेल की कपड़े की दुकान। तो वहीं पर हम लोग को अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, फिर हम लोग कॉलोनील से डील भी कर लेंगे अपनी जो भी बातचीत होगी। तो फिलहाल फटाफट से अपनी इसकी थार में बैठ चुके हैं। फिलहाल यार अभी उधारी की गाड़ी से काम चलाना पड़ रहा है, बाकी जब पैसा आ जाएगा तो ये गाड़ी खरीद लेंगे, फिर उससे हम लोग अपनी आगे की डील्स किया करेंगे।
लेकिन फिलहाल गाइस जरा अभी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, सीधे लेके चलते हैं कपड़े की दुकान। तो फिलहाल गाइस जरा अभी आ चुके हैं सीधे कपड़े की दुकान पे और फटाफट से यहाँ पे अपने लिए कोई ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं। और भाई यार अभी अपने टॉमी ने एकदम ब्रांडेड कोट पैंट खरीद लिया है जो कि यार भाई लुक्स काफ़ी ज़्यादा ऑसम आ रहे हैं। और अभी फिलहाल भाई इसको एक गाड़ी पसंद आ गई है, बाइक, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ आलोक की भाई इसको मॉडल नंबर है। तो फिलहाल अभी बाइक को इग्नोर करते हैं, सीधा चलते हैं अपनी थार पे और चलते हैं सीधा कॉलोनील के पास और फिर देखते हैं भाई यार उसने हम लोग को बोर्ड पे क्यों बुलाया आखिरकार। तो भाई देखते हैं भाई एडवोकेट भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तो फिलहाल देखते हैं भाई कॉलोनील किस चीज़ का नाम है। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सीधा कॉलोनील के बोर्ड पे और फिर देखते हैं भाई हम लोग से क्या बात करना चाहते हैं आखिर। तो ये रही भाई कॉलोनील की बोट जिसमें भाई अलग ही पार्टी शार्टी चल रही है भाई, एकदम ड्रग डीलर एकदम भाई अमीर तो होगा ये। तो फिलहाल अभी मेरी कॉलोनील से बात हो रही है भाई, कॉलोनील यही है सबसे बड़ा ड्रग डीलर वाई सिटी का। और भाई अभी इसने हम लोगों से कहा कि भाई मेरी डॉटर को भाई इसके घर छोड़ा हो। तो भाई ठीक है यार इसकी लैम्बोर्गिनी में हम लोग इसकी डॉटर को इसे घर पर ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो फटाफट से भाई इसकी डॉटर को मैंने अपनी कार में बैठा लिया है और फिलहाल फटाफट से इसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में छोड़ कर आने वाले इसके घर है क्योंकि यार शाम भी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। अब हम लोग अपने होटल में जाना होगा, इससे पहले यार होटल वाले अपना गेट बंद कर लें। तो फिलहाल अभी मैंने अपने गूगल मैप पर पूरी लोकेशन लगा ली, ज़्यादा दूर नहीं यार यहाँ से इसका घर, फटाफट से इसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं इसकी लोकेशन पर। तो फिलहाल अभी इतनी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में जाने वाले हैं क्योंकि यार लैम्बोर्गिनी मिली यार भाई, इस बंदा तो ज़्यादा अमीर था भाई, इसके पास लैम्बोर्गिनी रखी हुई है। तो फिलहाल इसी डॉक्टर को हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना मिशन भी कम्प्लीट हो चुका है। तो फिलहाल अभी हम लोग जाने वाले हैं सीधा अपने यहाँ से घर क्योंकि यार शाम और रात भी जल्दी आई जाएगी। तो ठीक है गाइस, तो गाइस यार ये तो थी हमारी आज की गेम प्ले वीडियो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।